हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे इस चैनल इजी सरकारी एग्जाम में। फ्रेंड्स आज फ्रेंड्स फॉर्म निकला यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस मेंस का फॉर्म। फ्रेंड्स ठीक है, प्री का नहीं, मेंस का 6 जुलाई 2022 को आया हुआ है। फ्रेंड्स ठीक है, यूपीएससी आईएएस 2022 डेप्थ और डिटेल्स नोटिफिकेशन। ठीक है, हाउ टू फिल द यूपीएससी आईएएस मेंस। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कैसे फिल करना है। सिविल सर्विसेज 2022 रिटन एग्जाम, क्वालिफाइड कैंडिडेट कैन फिल द डेफ फॉर्म। ठीक है, ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट। बाद में आपको नोटिफिकेशन देख सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आपको मेंशन की जाएंगी, क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी, वो सब सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में क्लिक करके देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवनेंस एंड पेंशन। ठीक है, तो आपको देख लेते हैं कि जनरल जो इन्फॉर्मेशन है क्या क्या है, पार्टिसिपेटिंग सर्विसेज रूल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है फ्रेंड्स, तो हम जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी डिस्कस करने वाले हैं इसमें। फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी कंडीशन आप देख सकते हो, एडमिशन सर्टिफिकेट, विदड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, रिस्ट्रिक्शन इन एप्लीकेशन, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स, डेफ वन डेफ टू, यूनो क्वालिफिकेशन मार्क्स एंड लैंग्वेज मीडियम की बात किया है, मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की है इसमें, डिसक्वालिफिकेशन डिपार्टमेंट एंड डिसिप्लिनरी एक्शन की बात किया है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। रिजर्वेशन अगेंस्ट द वैकेंसी फॉर द पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन, पता ही है आपको 300 मार्क्स के होते हैं। ये मार्क्स देख सकते हो आप, कितने मार्क्स इसमें मेंशन किए गए हैं। लैंग्वेज आप देख सकते हो कौन कौन से लैंग्वेज हैं इसमें। एग्जामिनेशन का सिलेबस देख सकते हो आप, और भी सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं डिटेल में, डेप्थ में। ठीक है, उसको भी आप देख सकते हो। ह्यूमन जेनेटिक्स, जो भी आपने सब्जेक्ट आपने जो भी इसमें सेलेक्ट किया है उसी के रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या सिलेबस होंगे फ्रेंड्स, वो चीज़ इसमें मेंशन की गई है। ठीक, उसी का मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। बॉटनी का किसी ने फिल किया हो तो बॉटनी के रिगार्डिंग जो भी है, केमिस्ट्री के रिगार्डिंग है, सिविल इंजीनियरिंग की पार्ट भी इसमें मेंशन की गई है। बाकी पेपर टू में आपको इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस, लॉ भी जो भी होगी गवर्नमेंट के, यदि आपने लॉ सेलेक्ट किया होगा सिलेबस में टॉपिक, तो आपकी लॉ से रिलेटेड क्या क्या सिलेबस होंगे वो भी इसमें दिया गया है फ्रेंड्स।
अगर आप लैंग्वेज हिंदी किए होंगे तो हिंदी हिस्ट्री में हिंदी लिटरेचर के पीछे सब चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। संस्कृत का सिलेबस क्या होगा फ्रेंड्स, वो भी इसमें मेंशन किया गया है। संस्कृत का सिलेबस वो भी आप देख सकते हो। संथाली के बारे में जो भी आपका लैंग्वेज है उस पर भी आपने डिस्कस किया है, ठीक है, तो अपन भी इसमें भी आप देख सकते हो संथाली के बारे में। और देख लेते हैं, आंसर मस्ट बी रिटन इन तमिल, तमिल वाले तमिल में लिखना चाहिए, ठीक है। तेलुगु के लिए तेलुगु में, उर्दू वाले उर्दू में ही आंसर लिखेंगे। जो हमने लैंग्वेज सेलेक्ट किया उसी लैंग्वेज में बोलेंगे, नहीं कि आपने उर्दू सेलेक्ट किया हिंदी में दे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे। सोशल मीडिया की बात किया हुआ, पॉलिटिकल सीन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस भी देख सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी, कहने का मतलब क्या है कि फ्रेंड्स, सब सिलेबस दिया हुआ है कि जो भी आपने चीज़ें सेलेक्ट की उसी से रिलेटेड इसमें सिलेबस मेंशन किया हुआ है। जूलॉजी का क्या रहेगा फ्रेंड्स, वो भी देख सकते हो। ये जूनियर स्केल पे स्केल पे क्या रहेगा फ्रेंड्स, ये भी दे सकते हो। ये कंफर्मेशन के बाद ये सारी चीज़ें आपको क्लियरिटी दी जाएंगी। सेम डिटेल्स अपना बायोडाटा इसमें फिल करना पड़ेगा आपको। डिसेबिलिटी क्राइटेरिया के लिए भी इसमें दिया गया है। मेडिकल फिटनेस के बारे में भी आपको मेंशन करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो सब सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। ये सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन एंड एग्जामिन टू राइट, और मेडिकल वेरीफिकेशन भी दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। टोटल डिटेल थे फ्रेंड्स, जो आई एस के मेन का डी एफ का जो फॉर्म है उसके लिए इसमें।